तो बड़ी खबर अनुराग ठाकुर के हवाले से आपको बता दें, खिलाड़ियों से मिले वजीर खेल अनुराग ठाकुर। अपनी रिहायशगाह पर पहलवानों से की मुलाकात, खिलाड़ियों के इल्जाम बेहद संगीन। तो आपको बताते चले, जंतर मंतर पर लगातार पहलवानों का मुजाहिरा देखने को मिल रहा है, एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ कुश्ती फेडरेशन के सदर के इस्तीफे की मांग ये तमाम तर पहलवान करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी मामले को लेकर वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने मुलाकात की है, अपनी रिहायशगाह पर पहलवानों से मुलाकात की है अनुराग ठाकुर ने, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो भी ये खिलाड़ियां इल्जाम लगा रहे हैं वो बेहद ही संगीन है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अनुराग ठाकुर ने, वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, अपनी रिहायशगाह पर पहलवानों से मुलाकात की और खिलाड़ियों के इल्जाम बेहद संगीन है। अनुराग का बयान, मैं तो यही कहूंगा, खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस जाकर खिलाड़ियों से मिलूंगा ताकि उनकी बात को सुन भी सकें और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे।